दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, एक साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, ये सपा हो या कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन पहले कन्नौज गया था तो वहां पर हमारे मंत्री हैं, वो विधायक भी है कन्नौज से, उन्होंने मुझे अवगत कराया, कहा कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में नाम बदल दिया है। मैंने कहा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया है, भारत के संविधान के शिल्पी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सम्मान के विरुद्ध कोई भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर रखा गया। बहनों और भाइयों, ये गुमराह करते हैं। याद करिए अनुसूचित जाति जनजाति पर सर्वाधिक हमले, सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी। इन्होंने तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप भी रोक दी थी, 15-16 में रोक दी थी। जब मैं आया था 17 में, तो मैंने फिर से बहाल करके हमने कहा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने आने के बाद 2014 में आने के बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, विकास सबका, सुरक्षा सबको, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आज कार्य चलना है। ये विकास याद करिए, यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। ये मकान कांग्रेस और सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं दिया? ये मकान उन्होंने क्यों नहीं दिया? 2,62,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बन गए, ये शौचालय इन्होंने क्यों नहीं बनाए? 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, वे जाएंगे किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेंगे, इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन अप्रैल 2020 से लगातार दे रहे हैं, और मोदी जी ने कहा 5 साल तक आगे भी ऐसे मिलता रहेगा, कोई कोताही नहीं, गरीब को हर प्रकार की सुविधा देंगे।
एक ओर लोक कल्याणकारी एक कार्य, दूसरी तरफ विरासत और विकास का अद्भुत संगम। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो लोग आज सपा का प्रत्याशी बनकर के परिवारवाद का गढ़ बना देना चाहते हैं कटहरी को, मैं पूछना चाहता हूं उनको, अयोध्या में जब रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे थे तब इन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? मुझे बताइए, शिव बाबा धाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि यहां के हर गरीब की श्रद्धा का केंद्र है। श्रवण क्षेत्र धाम के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के सुंदरीकरण के साथ साथ शिव बाबा धाम और श्रवण क्षेत्र धाम के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये क्षेत्र तो प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी पावन भूमि के रूप में जाना जाता है। याद करिए, एक समय देश के अंदर समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व कौन दे रहे थे? जयप्रकाश नारायण जैसे पुरोधा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, श्री जनेश्वर मिश्र जी, ये लोग समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व देते थे। और आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मुइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया। और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। कन्नौज के अंदर एक दलित बेटी के साथ क्या व्यवहार ये लोग कर रहे थे, आपने लखनऊ में देखा होगा। उस दिन भारी बारिश पड़ी थी और एक बेटी अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, ऐसे ही एक उच्छृंखल सपाई के द्वारा उस बेटी को मोटरसाइकिल से गिरा करके किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था। जब हम लोगों ने जेल के अंदर डाला तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाना घेराव किया, वो तो पुलिस का डंडा था, ये सपाई उसके कारण भाग गए, नहीं तो ये जो गुंडागर्दी के लिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया तो
तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा है जो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। याद करिए, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ मोदी जी के कारण बने। और यही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति लौह पुरुष भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया के अंदर किसी ने बनाई हो, मोदी जी ने गुजरात में साबरमती के केकड़िया में बनवाया है। मैं स्वयं वहां गया था देखने के लिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। भारत के वीर और वीरांगनाओं का सम्मान तब हो रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महाराज सुहेल देव को 1000 वर्षों के बाद सम्मान तब मिल रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। बहराइच में महाराज सुहेल देव 10वीं शताब्दी में जिन्होंने भारत के गौरव को दुनिया के सामने, भारत के शौर्य और पराक्रम को रखा था, उनका पराक्रम इस प्रकार का था कि जब उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा और वह हाल किया था उसका, उस दुर्दांत अपराधी और माफी, उस अपराधी और आक्रांता का, कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने का दुस्साहस कोई विदेशी आक्रांता नहीं कर पाया था। यहां की इस पूरी ताकत को, हिंदू राजाओं की ताकत को महाराज सुहेलदेव ने एकजुट किया और मथुरा से लेकर के बहराइच, नेपाल की सीमा के अंदर तक उन्होंने सुरक्षा का एक ऐसा पुख्ता जाल बनाया कि एक बार सालार मसूद उसके अंदर घुसा क्या, फिर निकल नहीं पाया। उसके बाद उसकी कब्र ही खोदी गई। और बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक हम लोगों ने बहराइच में बना करके तैयार कर दिया, बहुत भव्य स्मारक बना है, भारत के इतिहास के गौरव का प्रतीक। जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था वह भाजपा दी है। सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। अब आप बताओ, क्या हम अपना महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाए क्या? क्या हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देना बंद करते क्या? ये लोग तो यही चाहते थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम को कैसे धक्का देकर के उन्होंने बाहर किया, कहा ने भारत के गणराज्य का हिस्सा है, ये कोई लौह पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे तब समाजवादी पार्टी जितना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे, इनको जिन्ना प्यारा है क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब तो आपके सामने हम आए गए, धर्म भी है और राज भी है, बहनों और भाइयों, धर्म राज भी है और भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो
तो निषाद राज से मैत्री का एक नया सेतु बंध भी तैयार हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, इस उम्र में निष्ठा के साथ कार्य करते हुए इन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया है, और मेरी आप सबसे अपील है एक अवसर दे दीजिए धर्मराज निषाद को, एक अवसर दीजिए, एक अवसर दीजिए। बहनों और भाइयों, विकास और सुरक्षा की चिंता मत करिए, वो जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। कटहरी एक सुंदर नगरी के रूप में बचेगी, आगे बढ़ेगी। अयोध्या के विकास कार्य का लाभ कटहरी को प्राप्त होगा, अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इसी भाव के साथ उतारा है, और आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, चूकना मत। जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लोग अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह तबाह करने के लिए जिम्मेदार है, अंबेडकर नगर और कटहरी के विकास में जो बैरियर है, इस बैरियर को हटाइए और धर्मराज को ला करके विकास की गति को तेज कर दीजिए। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम केवल और केवल भाजपा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा से आज आपके पास आई है। ये जो माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस बनकर के समाजवादी पार्टी जनता को तबाह कर रही है, उसको फिर से इजाजत मत दीजिए। इनके मंसूबे अच्छे नहीं है, इनके कृत्य अच्छे नहीं थे। ये दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। बहन और भाइयों, इनको दोबारा मौका देने की आवश्यकता नहीं। यही अपील करते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध है, 20 नवंबर को कटहरी के भाग्य का फैसला आपको करना है, कटहरी। और इसीलिए आप हम आपके बीच आए हैं, मंच आपसे अपील करने के लिए आया है। धर्मराज निषाद को एक अवसर दीजिए, आप अवसर देंगे? देंगे? सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाएंगे? धर्मराज निषाद बनकर के स्वयं घर घर से वोट मांगने के लिए जाएंगे? सभी माताएं, बहने, नौजवान, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अपना पूरा आशीर्वाद देंगे इनको? तो बहनों और भाइयों, मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं, विकास में कटहरी भी एक नया मॉडल प्रस्तुत होकर के आगे बढ़ेगा। यहां के मेडिकल कॉलेज की तस्वीर को बदल करके रख देंगे अंबेडकर नगर के। यहां पर शिव बाबा धाम हो या श्रवण क्षेत्र धाम, ये भी अब सुंदरीकरण की एक नई बृहद योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? 20 तारीख को वोट देकर के धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आत्रेय